Hello friends, in the next question it is given that log of sine of x plus iy equals to a plus ib, and we have to prove that 2 into e raised to 2 alpha equals to cos hyperbolic 2y minus cos 2x and tan b equals to cot x into tan hyperbolic y. Friends, log of sine x plus iy ka expression just abhi humne previous question mein find kiya, to us result ko yahan pe main directly use karta hu. Dekhiye, yehi pura expression tha jo humne previous video mein abhi find kiya tha. So, अगर यहाँ पर मैं log of sine of x plus i y की जगह लिखूँ a plus i b, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, a plus i b equals to this particular expression, okay? अब मैं real और imaginary parts को compare अगर करूँ यहाँ पर, then I will get a is equal to which is real part, left hand side का a real part है, जो right hand side के real part के equal हो जाएगा, that is half of log of अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कह देता हूँ सपोज पी, ओके, यानी ये जो ब्रैकेट में आपको कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x अपॉन 2 दिख रहा है, इसे मैं पी कह रहा हूँ. सो देयरफॉर आई कैन राइट 2a इक्वल्स टू लॉग ऑफ पी, देयरफॉर पी इज इक्वल टू ई रेज टू 2a. बट फ्रेंड्स, पी एक्चुअली में है क्या? पी है cos hyperbolic 2y minus cos 2x divided by 2 equals to e raised to 2a. अब इस 2 को मैं अगर यहाँ पर e raised to 2a से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो फर्स्ट पार्ट है मुझे मिल जाएगा, ठीक है? सो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. अब सेकेंड पार्ट के लिए आपको इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, यानी b ये इक्वल होगा ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के. सो देयरफॉर आई विल गेट b इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cot x tan हाइपरबोलिक y. So therefore I can write cot x into tan hyperbolic y equals to tan of b, और यही तो मुझे शो करना है सेकेंड पार्ट में. तो काफी आसान है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, देन उसके बाद आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी.